सुरुचि ने मुझे मरवाने के लिए मेरे पिया को भेजा है, तो डर के मारे कुंती नहीं खोल रही है, नहीं खोल रही है। फिर महाराज बोले और तुम्हारे महलों के गेट बंद हैं, इसलिए मैं इधर आ गया। रानी ने समझ लिया कि मेरी बहन से छुप करके आई है। रानी ने गेट खोल दिए, अच्छे आसन पर तो नहीं बैठा पाया क्योंकि उनके पास तो खुद ही टूटी चारपाई है, उसी चारपाई पर बैठा लिया है। कुछ खिलाने को भी नहीं है, जौ की रोटियां हैं उस पर नमक रखे और जब महाराज के सामने की है तो पहले महाराज उन रोटियों को देख करके बहुत रोए। इसलिए नहीं कि मैं खा नहीं सकता हूं, रोए इसलिए है कि सुनीति आठों पैर रोटियों को कैसे खाती है। अपने पति के चेहरे पर मुस्कुराहट लाने के लिए दुखों से लड़ रही है, जूझ रही है। जो कि आटे की रोटी खाती है वो भी सब्जी नहीं मिलती, फिर भी किसी से रोती नहीं है। वही सूखी रोटी महाराज ने खाई है, रात्रि भर सहन किया है। सुबह होते ही महाराज वहां से चल दिए हैं, अपने यहां पर आए हैं। और जैसे ही सुबह सुबह पहुंचे तो सुरचि भैया के अट पे ही मिल गई। जैसे गेट पे मिली और गेट पे आते आते लाख दाल आखे करे और जैसे ही देखा महाराज को, महाराज ने देखा सुरजी को, महाराज समझ गए नागिन है, पता नहीं फुंकार लगाएगी। महाराज को देख करके नागिन कहने लगी, कहाँ गए थे? गए थे कल शिकार के लिए, लौट करके अब आ रहे हैं, रात्रि भर कहाँ रहे हमें बताए? सुनीति के यहाँ गए होंगे और कोई नहीं है, हमें मालूम है, बिना बताए सुनीति के यहाँ गए होंगे। अब महाराज ने सोची कि अगर हम ढीले पड़ गए